हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से बात करने वाले हैं टिकटॉक न्यू ट्रेंड वीडियो के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा टिकटॉक पे जो रेनू मंडल करके लेडीज है, तो टिकटॉक पे तेरी मेरी कहानी जो गाना गाया था हिमेश रेशमिया के स्टूडियो में, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो यदि आप जो मैं आपको वीडियो दिखाया हूँ उस टाइप की वीडियो यदि आप बनाते हैं तो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा लाइक एंड व्यू आ सकता है। इस टाइप की वीडियो आपको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस टाइप का आपको वीडियो शूट करना है, आज के वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में काइन मास्टर अप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में काइन मास्टर अप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको वीडियो किस टाइप को शूट करना है और इसके बाद एडिट कैसे करना है, तो सिंपल आपको काइन मास्टर अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 9:16 वाला रेशियो का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया पे आना है और यहाँ पे जो वीडियो हमने नोडल मोबाइल फ़ोन से शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो है किस टाइप का हमारा शूट किया गया है। तो आपको भी इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद यदि आपको स्टार्टिंग का एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। तो आपको वीडियो को लेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद कैची के निशान पर क्लिक करना है, इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इसके बाद यदि आपको राइट साइड का है तो फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको राइट का साइड का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपको रिमूव हो जाएगा। इसके बाद यदि आपको बीच का कोई पार्ट होगा जहाँ पर आप रुक रहे हैं, जहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट कर देना। स्प्लिट करने के बाद आपको फिर से आपको देख लेना कहीं यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा पार्ट तो नहीं है। यदि एक्स्ट्रा पार्ट है फिर से हमें स्प्लिट कर देना है और इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहा है बीच, फिर यहाँ से आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन से डिलीट कर देना है, तो ये भी पार्ट आपको डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है कि एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको जो आपको पार्ट बच जाता है उस पार्ट को आपको क्या करना है, सिंपल सी एक बार आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर यदि एक्सपोर्ट नहीं करना है तो सिंपल सी वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसके बाद कलर, सिंपल आपको यहाँ पर कलर फिल्टर पर आना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर से हमें वीडियो के लेयर पे आना है, इसके बाद कलर एडजस्टमेंट पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल बैकग्राउंड जो है ग्रीन हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद इस वीडियो को हमें फिर से एक बार एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों वीडियो जब भी आपको शूट करना है तो जो वीडियो जो आपको 12 से 13 सेकंड के आसपास होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो बैकग्राउंड में आप सॉन्ग लगाएंगे उसमें आपको 10 से 12 सेकंड के आसपास वो सॉन्ग है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो है पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुका है। इसके बाद फिर से हमें दो बार बैक करना है। बैक करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मीडिया पर आना है। इसके बाद बैकग्राउंड में यदि आप वीडियो लगाना चाह रहे हैं तो वीडियो भी लगा सकते हैं, यदि आप फ़ोटो लगाना चाह रहे हैं तो फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास वीडियो अवेलेबल है तो वीडियो लगा सकते हैं, फ़ोटो अवेलेबल है तो फ़ोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फ़ोटो जो है आपको मैं सेलेक्ट कर लिया। इस फोटो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हम आगे पीछे कर रहे हैं दोस्तों, ये छोटा बड़ा हो रहा है। इसके बाद कितना क्या है, सिंपल आपको वीडियो कलर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो जो है हमारा जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यहाँ पे जो है आपको छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। इसके बाद इसे साइज़ में बड़ा करना है, साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इसको आपको 12 से 12 सेकेंड के आसपास वीडियो को लेकर जाना है। इसके बाद लेयर पर आना है। लेयर पर आने के बाद मीडिया पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको साइज़ जो है फुल साइज आपको कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो पूरी तरह से फुल चार्ज हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। तो कैंची के निशान पे करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद हमें फिर से हमें सेकेंड वाले वीडियो को लेयर पे आना है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। तो दोस्तों क्रोमा की को इनेबल करते हैं, आपको ध्यान देना है सही तरह से क्रोमा की को इनेबल करना है, तभी जाके वीडियो आपको परफेक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इस बात आपको ध्यान रखना है। देख सकते हैं पूरी तरह से मैं क्रोमा की को उपयोग कर दिया हूँ। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने का फिर से दोस्तों वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो इसमें हमें साउंड चाहिए। साउंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद इसके बाद हमने एक वीडियो अपलोड किया हो टिकटॉक पे, तो वाले वीडियो को टिकटॉक से आपको डाउनलोड कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो वीडियो है वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कैची के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आइडियो को यहाँ से बाहर निकाल लेना है और इसके बाद आइडियो जो है लास्ट कर देना और वीडियो को डिलीट कर देना है। दोस्तों ये देख सकते हैं वीडियो जो हमारा यहाँ से सेट हो चुका है। इसके बाद वीडियो को हमें फिर से एक बार
एक्सपोर्ट कर लेना है। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा वीडियो जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना।